नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सूरज बिसाई और आप देख रहे हैं युग वाइन टाइम से विस्की प्रसिद्ध रामलीला लवकुश रामलीला का आगाज कल से किया जा रहा है और दिल्ली डरी हुई है और लोग सहमे हुए हैं कि रावण के किरदार में कौन है। हम आपसे रूबरू कराते हैं। रावण का किरदार इस बार जाने माने अभिनेता मुकेश ऋषि जी निभाने वाले, जो इस समय हमारे साथ बने हुए। आइए हमसे रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू यार, तुमने ये क्या बोल दिया, दिल्ली डरी हुई है, क्या करता है यार सर वसीम। हाय दिल्ली, नमस्कार। ठीक कह रहे हैं, मैं रामलीला के यार रामलीला क्या है, रावण का रोल कर रहा हूँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ। इसकी एक्साइटमेंट यही है कि मैं कुछ स्टेज का बंदा नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे दूसरी बार करने का मौका मिला और मैं इसे पूरी तरह से इंजॉय करना चाहता हूँ। और इसकी कोई मुझे ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज भी नहीं आने वाली, क्योंकि मैं तैयार होकर आया हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि हमें पता चल जाए कि हम क्या करने वाले हैं, चाहे वो लाइनें हो, डायलॉग्स हो, तो हमें पहले मिल जाते हैं, मुझे मिल गए थे, इसलिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस भी किया हुआ। आज का दिन अच्छा रहा, सबसे मुलाकात होगी पूरे एक्ट्रेस के साथ में, ड्रेसिस सब पहन के हमने चेक किए हैं, सब अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना एक्साइटेड मैं हूँ, मैं उतना मज़ा जो है जितने भी लोग देखने आएंगे उनको भी दिलवा सकूँ। जफर सुपारी का एक दरबार होता था और एक रावण का दरबार है। नहीं, रावण का दरबार अलग है, उसको किसी से मत मिलाइए। इसमें बहुत कुछ हमारे लिए सीखने वाला है। रामायण जो है, जो रामायण अगर आज के बच्चे, आज के नौजवान ये देखने के लिए आते हैं, प्लस जब मौका मिले उसे चाहे दो पेज चार पेज जितना भी हो उसे पढ़ें, आस्था से पढ़ें, लेकिन उसे दिल में उतारें, आपको खुद महसूस होगा कि ये जो ज्ञान है आपको कभी भी ज़िंदगी में धोखा नहीं देगा, हमेशा फ़ायदा देगा। आपके नेगेटिव किरदार तो लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, मैं तो आपका सोशल मीडिया पर लगातार फॉलो करता रहता हूँ। जो आपकी कॉमेडी है वो हमें पर्दे पे कब देखने को मिलने वाली है? बहुत, मैं क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन होता यह है कि मैं बहुत सारी लैंग्वेज में काम करता हूँ, मुझे लगता है वहाँ साउथ में फिल्में रिलीज़ होती रहती हैं, लेकिन अभी एक रोहित शेट्टी साहब की सीरीज़ की मैंने की है, पुलिस के ऊपर है, वो रिलीज़ होनी चाहिए। एक और फिल्म है, हिंदी फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी, वो रिलीज़ होनी चाहिए। एक पंजाबी फिल्म है, नानक नाम जहाज़ है, वो रिलीज़ होनी चाहिए। फिर मेरे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो दिसंबर में रिलीज़ होने थे, मैंने सुना है कि वो जनवरी में रिलीज़ हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। आपके बेटे का सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव है, उनकी बॉडी माशाल्लाह बहुत खूब है उनके लिए। हाँ, मैंने उसके लिए एक फिल्म बनाई थी, उसको लीड रोल में लॉन्च किया था, वो फिल्म रिलीज़ हो गई है, निडर उसका नाम है। और आगे वो जैसे उसकी किस्मत, जैसे मेहनत करेगा वो, जैसे जैसे उसको रास्ता दिखेगा वैसा करेंगे। दिल्ली के लिए क्या कहना चाहोगे, दिल्ली के अगर कैसा फील करते हैं? नहीं, दिल्ली हमेशा यार, दिल्ली बचपन से आ रहे हैं, दिल्ली जब छोटे थे तो दिल्ली ऐसा लगता था कि बहुत दूर है, कैसे जाएंगे, कौन ले जाएगा वहाँ पे, काफ़ी। फिर जब कॉलेज में चंडीगढ़ में पढ़ते थे तो दिल्ली आते थे घूमने के लिए, सारे अपने जितने भी खाने पीने की जगह थी वहाँ खाते पीते थे, तो दिल्ली हमेशा खास है। मेरे दोस्त यहाँ रहते हैं तो मेरा आना जाना लगा रहता है यहाँ पे, और दिल्ली हमेशा खास रहती है। बचपन के रामलीला की कोई ऐसी यादगार बात हो जो आज तक जहन में रही? ऑफकोर्स, मैं जब छोटे थे तो मुझे लगता है कि घर से निकल के रात को हम देखने जाते थे, वो रामलीला थी सबसे पहली। थिएटर दूर पड़ते थे तो रामलीला के लिए हम लोग आते थे सब मिलके, जितने भी आसपास रहते थे सब आते थे, इंजॉय करते थे। इसलिए मुझे रामलीला आज भी मुझे एक्साइट कर देती है, क्योंकि सबसे पहला खेला जो था रामलीला ही मैंने देखा। रामलीला एक ऐसा मंच रही है जो जब सिनेमा नहीं था लोगों को घर घर तक राम जी की कथा सुनाती। नहीं, सिनेमा तो उस वक्त भी था, लेकिन ये उस वक्त बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो रही थी। आज तो आपके मोबाइल पे इतना कुछ हो रहा है, उसमें ये समय नहीं था। अगर रामलीला हो रही थी तो रामलीला के अलावा और एंटरटेनमेंट सिनेमा ही थी, तो लोग इन्जॉय करते थे हर माहौल में। हिंदुस्तान उन सब उन चीज़ों में से निकल के, उसने एक जर्नी है हिंदुस्तान की, सब देखा है हमने। तो आज के दिन ये जो मोबाइल आ गया सबके हाथ में, बहुत कुछ है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि यंग लोग आएँ और रामलीला को देखें, और उस तरह देखें जिस तरह एक्चुअल होती थी, और उसे महसूस करें। जब महसूस करेंगे तो हो सकता है उनका पढ़ने का मन करे और बेहतर जानने का मन करे। तो यही मकसद है रामलीला की, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो कल्चर है, वो किसी तरह हम चाहे रामलीला के ज़रिए या रामायण पढ़ के वो जो है हमारे अंदर जाना चाहिए, यही सबकी कोशिश रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।